तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब पे। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के इलेक्ट्रिक पार्ट, अल्टरनेटर सेल्फ। दोस्तों इस ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है, ये सुबह की स्टार्टिंग नहीं कर पा रहा दोस्तों, तो हमने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इस चीज़ को शेयर करना है और आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं है कि दोस्तों सेल्फ की प्रॉब्लम होगी तो बैटरी चेंज कर दें, बैटरी चेंज की ना प्रॉब्लम हो तो सेल्फ खोल दें, ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। पहले प्रॉब्लम को हमने डायग्नोज करना है स्टेप बाय स्टेप, जिस जो भी बीमारी होगी उस चीज़ को रिप्लेस करना है, जिसकी भी बीमारी होगी इसमें, या बैटरी चेंज करना है बैटरी चेंज करेंगे, या सेल्फ की दिक्कत होगी सेल्फ खोलेंगे। तो पहले उसको दोस्तों डायग्नोज तो करें कि किस तरह से क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास बैटरी टेस्टर है, हम इससे बैटरी की वोल्टेज को चेक करेंगे दोस्तों कि आपकी बैटरी, दोस्तों ये 12 वोल्टेज 12.70 समथिंग आपको शो कर रही है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद आप ये हमारा रजिस्टर है, लोड है, जब हम इसको क्रैंक करते हैं ये जितना देखिए दोस्तों 11 समथिंग आ रहा है दोस्तों 11, तो बैटरी का साइन भी दे रहा है ओके का आपका साइन भी आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब है बैटरी आपकी बिल्कुल ओके है, बैटरी की ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। फिर भी एक बार लोड डाल के देखते हैं कि अगर दिक्कत होगी तो ये बता देगा दोस्तों। दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान रखना, आपने गाड़ी को आपने न्यूट्रल करना है, हैंड ब्रेक लगा दिए दोस्तों, पत्थर भी लगा रखा है क्योंकि इस पर काम हमने बहुत केयरफुली करना होता है, हाई टॉर्क है, अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो रुकने का नाम नहीं लेती दोस्तों। अब दोस्तों क्रैंकिंग करेंगे, दोस्तों काफ़ी लोड ले रहा है सेल्फ, फिर भी इसको देखते हैं, अगर ये सोलेनोइड से ऑपरेट नहीं हो रहा है, हमारा जो इग्निशन स्विच ऑन करने पे सोलेनोइड ऑपरेट नहीं हो रहा दोस्तों, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। नहीं दोस्तों, आपका दोस्तों लग रहा है कि सेल्फ लोड ले रहा है, या फिर बैटरी भी हो सकती है। इसके लिए हम अब इसका दूसरा फॉर्मूला, जो देसी टेक्निक से हमारी जंप स्टार्ट, दूसरी गाड़ी से इसको जंप स्टार्ट देंगे। दूसरी गाड़ी को भी आपने क्रैंक करना है, लोड पड़ जाएगा इस पर, जंप स्टार्ट दोस्तों। जो हमारी बैटरी है इसको हमने डायरेक्ट इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया दोस्तों, यहाँ देखना आपने, यहाँ का पॉजिटिव है, यहाँ का जो हमारा जंप स्टार्ट टेक्निक दोस्तों ये होती है। हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन देते हैं। पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ का पॉजिटिव बैटरी का और दूसरी बैटरी का भी पॉजिटिव कनेक्टर आपका दोनों कनेक्ट होते हैं, और यहाँ का नेगेटिव कनेक्टर दोस्तों और दूसरी बैटरी में भी जो आपकी लीड लग रही है ये भी नेगेटिव कनेक्टर होगा, तो इसको दोस्तों कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, और दोस्तों इसको इस टेक्निक को कहते हैं जंप स्टार्ट। तो अब हमने विद दी हेल्प ऑफ फॉर्चूनर की बैटरी और इंजन को स्टार्ट किया है, वोल्टेज 14.5 वोल्टेज समथिंग यहाँ पे अभी ये आ रही है, और दोस्तों जो स्टार्ट गाड़ी में हमारी 14.5 वोल्टेज, और ये बंद है इसके पास, हमारे पास या इस बैटरी में है 12.5 वोल्टेज। तो दोस्तों जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो हमारी क्या होती है, वोल्टेज सेम रहती है दोस्तों, एम्पेयर बढ़ जाता है दोस्तों, वोल्टेज सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल इसका एम्पेयर, अगर ये एम्पेयर 65 एम्पेयर की है तो ये भी 65 एम्पेयर की, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों, 65 65 प्लस हो जाएगा, और जो इसकी एम्पेयर वोल्टेज है दोस्तों, जो वोल्टेज है हमारी यहाँ पे इस टाइम इसकी 14 समथिंग है दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट है, अगर गाड़ी बंद रहती है तो 12 वोल्टेज और गाड़ी स्टार्ट रहती है तो 14 वोल्टेज, और इसकी वोल्टेज है आपके पास जो है 12 वोल्टेज, तो इन दोनों का अगर हम ये सेम रहेगी जो हमें यहाँ से मिल रही है 14.5 वोल्टेज वही रहेगी दोस्तों। अब देखते हैं इसको कितना लोड लेता है दोस्तों, स्टार्ट होता है नहीं, इससे हमें पता लगेगा कि आपकी बैटरी खराब है या सेल्फ खराब है, गाड़ी का जो क्रैंकिंग मोटर खराब है।
दोस्तों फिर भी ये लोड ले रहा है, काफी लोड ले रहा है दोस्तों। एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं। डायरेक्ट दोस्तों आपको सिखा रहा हूँ टेक्निक। ये जो बैटरी की वायर है दोस्तों, बैटरी की कनेक्टर है, बैटरी का कनेक्टर, और ये और सोलेनोइड, ये सोलेनोइड सप्लाई है दोस्तों, सोलेनोइड के लिए। जैसे हम सेल्फ क्रैंकिंग करते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्टेज क्रैंकिंग स्विच, इग्निशन स्विच को सेल्फ स्टार्ट करने पर आता है। उससे क्या होता है दोस्तों, ये सेल्फ ऑपरेट हो जाता है, चलता है। तो दोस्तों इस चीज़ को हमने यहीं से डायरेक्ट करना है। ये 12 वोल्टेज ये अंदर स्विच पे जा रहा है और यहाँ हमारे पास बैटरी से भी आ रहा है। तो इस दोनों को आपस में देखिए दोस्तों, काफ़ी लोड ले रहा है इंजन। ये देखिए इंजन काफ़ी लोड ले रहा है। तो दोस्तों हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज किया, बैटरी बिल्कुल ओके है आपकी गाड़ी की। आपकी गाड़ी की क्रैंकिंग मोटर ख़राब है दोस्तों। क्रैंकिंग मोटर को अब हम डिसमेंटल करेंगे, खोलेंगे, इसको देखते हैं कि क्या दिक्कत है दोस्तों इसमें, इसको चेक करते हैं। क्योंकि डबल गाड़ियों से भी आपकी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ड्यूल बैटरी की और इंजन स्टार्ट से नहीं हो रहा, तो आपकी क्रैंकिंग मोटर की दिक्कत है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, हम तक देखें हम क्रैंकिंग मोटर में क्या दिक्कत है दोस्तों। तो फाइनली हमने इसका क्रैंकिंग मोटर, जिसे सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कहते हैं, ये ओपन कर दिया दोस्तों। इसके तीन नाम है, इसे सेल्फ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, टेक्निकली लैंग्वेज में दोस्तों इसे क्रैंकिंग मोटर एंड स्टार्टिंग मोटर कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने टू द पॉइंट ऐसा सर्जन बनना है दोस्तों कि हमें टू द पॉइंट काम करना है। पिछले कल हमारे पास एक गाड़ी आई दोस्तों, तो बैटरी नहीं डलवा के आए दोस्तों, फिर भी गाड़ी सेल्फ नहीं उठा रही थी। दिक्कत थी इसकी जो हमारी सप्लाई की, इसकी जो हमारा अर्थ प्रॉपर नहीं बन पा रहा था, जिससे वोल्टेज रिक्वायर वोल्टेज नहीं बन पा रही थी और क्रैंकिंग सेल्फ नहीं उठा रही थी। तो दोस्तों जैसे गाड़ी हमारे पास आई तो हमने प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप चेक किया और जो प्रॉब्लम थी अर्थ की थी ओके कर दी दोस्तों, और बेफजूल की उनकी बैटरी दोस्तों बदली गई। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सेल्फ ओवर हीट हो चुका है, अंदर से भी बिल्कुल ओवर हीट होने की वजह से इसकी जो वाइंडिंग है दोस्तों, स्टेटर वाइंडिंग, इसको स्टेटर कहते हैं दोस्तों, स्टेटर वाइंडिंग जल चुकी है। इसी वजह से दोस्तों ये सेल्फ काफ़ी लोड ले रहा है दोस्तों। यही प्रॉब्लम है दोस्तों इसकी लोड लेने की, और ये दो दो बैटरियाँ लगाने के बाद भी ये आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, वर्क नहीं कर रहा था। तो ये दोस्तों इसका रोटर है, आर्मेचर जिसे कहते हैं, ये भी जल चुका है हीट होने की वजह से। पूरी इसकी वाइंडिंग जल चुकी है और हमारी जो योक है, स्टेटर जिसे कहते हैं, उसकी वाइंडिंग जल चुकी है दोस्तों। दोस्तों ये कॉज क्यों जला इसको भी अब डायग्नोज करेंगे। ये ज़्यादातर दोस्तों ये जो हमारा इसका जो स्टार्टिंग स्विच है, स्टार्टिंग इग्निशन स्विच है ऑन, ये शायद फंसा होगा या डायरेक्ट हो गया होगा, और इंजन के साथ इसने रोटेशन लिए दोस्तों, और साथ में जितना भी इंजन के साथ घूमने की वजह से ये जल चुका है। ये आपकी प्रॉब्लम है, देखते हैं दोस्तों इसका निवारण करते हैं। दोस्तों यह ट्रैक्टर का जो हमारा क्रैंकिंग मोटर थी सेल्फ थी, वो जल चुका था, वो इतना काफ़ी हद तक जल चुका था, इसका कोई भी पार्ट काम कर नहीं रहा दोस्तों। और इस पर उस पर इन्वेस्टमेंट करना, जो स्पेयर पार्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करना, नए से भी ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी दोस्तों, तो हमें ये चेंज करना पड़ा दोस्तों। और दोस्तों ये प्रॉब्लम किस वजह से है दोस्तों, ये जो हमारा स्टार्टिंग स्विच है, इग्निशन स्विच है, ये दोस्तों जैसे क्रैंकिंग करते हैं ये फंस जाता था, और जो भी ड्राइवर इसको चला रहा था उसने क्या किया, सेल्फ क्रैंकिंग की दोस्तों, और जो चाबी वापस नहीं आई, फंसी रही, और ये इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट के साथ साथ सेल्फ ही रोटेशन, जितने इंजन के RPM थे उतने ही सेल्फ ने लिए, कंटिन्यू घूमता रहा दोस्तों, और इसी कारण इसकी जो आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग एंड सोलेनोइड स्विच सब जल गया दोस्तों। एक छोटे से 200-300 रुपये का स्विच की वजह से देखिए इतना नुकसान हो गया दोस्तों। अब इसको हम नया डालेंगे, रिप्लेस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो में, और शेयर लाइक एंड कमेंट जरूर करें हमारे वीडियो में दोस्तों, क्योंकि ये आपकी अवेयरनेस के लिए जो ये टेक्नोलॉजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आपकी लिए है दोस्तों, और आप इन चीज़ों से बच सकते हैं कि आपके 100-200 रुपये की आइटम की वजह से इतना नुकसान ना हो दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।